नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। शिवपाल यादव ने जब से समाजवादी पार्टी छोड़ दी है तब से वो लगातार अपनी खुद की पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते रविवार को जब जिस तरीके से वो हमेशा कहते रहे थे कि मुलायम सिंह यादव हैं वो उनके साथ हैं और वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब जंतर मंतर पर समाजवादी की साइकिल रैली में के मंच पर मुलायम सिंह यादव ने शिरकत की और एक तस्वीर में जब वो नज़र आए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के बगल में बैठी हुई, तो तस्वीर साफ क्लियर हो गई कि सह और मात की लड़ाई में शिवपाल को किस तरीके से मात दी गई है। और ये मात उस परिवार की लड़ाई में शिवपाल यादव को दी गई है जो परिवार हमेशा समाजवादी पार्टी की सत्ता पर राज करता चला आ रहा है। और जिस भाई पर शिवपाल यादव ने विश्वास किया और उसी ने विश्वासघात किया, लेकिन इसे विश्वासघात भी नहीं कह सकते क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी सेकुलर मोर्चा के लिए ऐसी कोई सी भी बात नहीं बोली थी जिसको समझा जा सके कि वो शिवपाल यादव के साथ है। वो अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहते थे और अपने भाई को भी नहीं खोना चाहते। जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने सींचा है खून पसीने से, उस पार्टी को किस तरीके से छोड़ दे एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी राजनीति में खपा दी और वो बनाई हुई समाजवादी पार्टी को इस तरीके से छोड़ के चला जाए तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी को मात देने के लिए शिवपाल यादव ने जिस तरीके से अपना मूड बनाया है और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में अपने सेनापतियों की तैनाती कर दी है, प्रभारियों की तैनाती कर दी है, अब ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भले ही उन्हें पता भी चल गया है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो अब अखिलेश का साथ देंगे, उनका साथ नहीं देने वाले हैं। हालांकि अब इटावा के जो समाजवादी सेकुलर मोर्चा के बैनर हैं उनमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन शिवपाल यादव ने एक कसम और संकल्प ले लिया है कि अब वो करेंगे तो अपने बल पर पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका तो मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे वोटर्स हैं जो समाजवादी पार्टी से कट करके समाजवादी सेकुलर मोर्चा की तरफ जाएंगे। अब किस तरीके से अखिलेश यादव को मात देने के लिए शिवपाल यादव ने अपनी किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद बीते दिनों उन्होंने अलग पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन किया। शिवपाल ने पार्टी बनाने के बाद कहा उनके भाई और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ हैं। कल मुलायम सिंह यादव नई दिल्ली में अखिलेश यादव के साथ नजर आए, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुलायम शिवपाल के साथ नहीं बल्कि अखिलेश के साथ खड़े हैं। शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में राम सिंह यादव, आगरा में देवेंद्र गुप्ता, आजमगढ़ में रामदर्शन यादव, कानपुर में रघुराज सिंह, इलाहाबाद में प्रकाश राय, गोरखपुर में डॉक्टर एमपी सिंह यादव, फैजाबाद में प्रेम प्रकाश वर्मा, अलीगढ़ में यक्षपाल सिंह, झांसी में विष्णुपाल सिंह, वाराणसी में देवेंद्र सिंह, बस्ती में बाबूराम निषाद, बरेली में फरहत मियां और मेरठ में डॉक्टर मगरूर त्यागी प्रभारी बनाए गए हैं। एसपीएन नाइन न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ने का नाम लेती चली जा रही है। हालांकि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें मिल जाती हैं शिवपाल यादव को, जहां उनके दूरियां देखी गई थी बाप और बेटे के इस रणनीति में, तो वहां जिस तरीके से कहा यह भी जाता था कि जो जंतर मंतर पर जब रैली पहुंची थी तो कई जिलों में मुलायम सिंह यादव ने पूरा रिपोर्ट ली थी कि साइकिल रैली का पॉजिटिव यानी कि रवैया कैसा मिल रहा है, क्या मतलब लोग जनता समाजवादी पार्टी को रिस्पांस दे रही है कि नहीं दे रही है। हालांकि उन्हें पॉजिटिव सारी चीज़ें नज़र आईं, फिर जा करके तस्वीर के पीछे का सच जो
था, वो हमने भी आपको दिखाया था कल, और तस्वीर के पीछे का यही सच था कि मुलायम सिंह यादव ने एक रिपोर्ट के एक जाल बिछा करके इस सच्चाई को परखा, तब उन्होंने अखिलेश यादव का साथ देने पर मंच साझा किया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।